दिल्ली शराब घोटाला मामले में पकड़े गए नेता और कारोबारी शुरू से ही अजीबोगरीब तर्कों के आधार पर कभी अंतरिम तो कभी स्थायी जमानत की मांग करते रहे हैं। ऐसी ही एक मांग को लेकर के कविता भी कोर्ट में पहुंच गई। बहाना ये कि बेटे की परीक्षा है, परीक्षा के दौरान भावनात्मक सुरक्षा देना जरूरी है, इसलिए अंतरिम जमानत दी जाए। कविता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तो ट्रायल कोर्ट में यहां तक कह डाला था कि अंतरिम जमानत देने से कोई आसमान नहीं टूट जाएगा, लेकिन अदालत ने के कविता की याचिका खारिज कर दी और इससे न सिर्फ के कविता को झटका लगा बल्कि आम आदमी पार्टी को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसके दो बड़े नेता अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया जेल में ही बंद पड़े हैं। हाल ही में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने कविता और ईडी की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। बीआरएस नेता और पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि एक मां की कमी को पिता बहन भाई पूरा नहीं कर सकते। के कविता के वकील सिंघवी ने कहा कि इस मामले में महिला का एक बच्चा है जिसकी परीक्षाएं अप्रैल में है, छोटा बच्चा है, 16 साल का है, मामला अलग है, मां नैतिक और भावनात्मक समर्थन का मुद्दा है। ईडी ने दलील का विरोध करते हुए दावा किया कि कविता के मामले में सबूत नष्ट किए, गवाहों को प्रभावित किया। ईडी के वकील ने न्यायाधीश से कहा कि विचाराधीन आरोपी रिश्वत देने वाले पहले लोगों में से एक है, मैं सिर्फ बयानों पर भरोसा नहीं कर रहा हूं, मेरे पास सामग्री है। व्हाट्सएप दस्तावेज आदि की कविता के 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद बीआरएस की 46 वर्षीय नेता को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि कविता साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य थी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले दिल्ली में 70 करोड़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। और इसके पहले दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता ने सीबीआई से पूछताछ के खिलाफ अदालत का रुख किया। के कविता ने सीबीआई को पूछताछ के लिए दी गई अनुमति वापस लेने का अनुरोध किया। कविता के वकील नितेश राणा ने अदालत को बताया कि सीबीआई ने उनके पीछे उनसे पूछताछ करने की अनुमति मांगने वाली याचिका दायर करने कानून की उचित प्रक्रिया को विफल कर दिया। राणा ने कहा कि मुझे गंभीर आशंका है कि अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए सीबीआई ने सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति देने वाले उसके आदेश को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक उनका पक्ष नहीं सुना जाता। अदालत ने दलील सुनी और सीबीआई द्वारा कविता की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगने के बाद मामले को 10 अप्रैल तक सुनवाई के लिए टाल दिया। Bureau Report, News of India.